हाल के दिनों की बात करें तो कई युवाओं ने खेती के प्रति रुचि दिखाई है। हालांकि उन्हें बाजार की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनमें से कईयों ने खेती में रुचि दिखानी छोड़ दी। हालांकि यहां एक युवा ऐसा भी है जो अपने पिता के साथ एकीकृत कृषि गतिविधियों के साथ जुड़ा। साथ ही उसने किसानों को उचित मूल्य पर देने के लिए सस्ते नाटी पोल्ट्री एग इनक्यूबेटर मशीन का आविष्कार कर दिखाया। हासन जिले के होलेनारसीपुरा मोसालेहली के पास उलुवारे गांव के निवासी अनिल ने उचित मूल्य पर नाटी पोल्ट्री प्रजनन इनक्यूबेटर का आविष्कार किया है। अनिल खुद भी नाटी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और उन्हें इसमें सफलता मिली है। अब उन्होंने नाटी पोल्ट्री प्रजनन इनक्यूबेटर का आविष्कार किया है और इसे किसानों को 3500 रुपए में बेच रहे हैं। इसके अलावा वे किसानों को नाटी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अनिल ने ITI की पढ़ाई की है। खेती से जुड़ने के बाद उन्होंने एक छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स, पंखे और तापमान नियंत्रक इकाई का उपयोग करके इनक्यूबेटर का आविष्कार किया है। मुझे अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिली, इसलिए खेती करने का फैसला किया है। मेरे पिता मशरूम की खेती कर रहे हैं और मैंने नाटी पोल्ट्री फार्मिंग करने का निर्णय लिया है। मशरूम नाटी कोड़ी सा अनिल एक दिन के नाटी चेक को 40 रुपए में बेच रहे हैं। वहीं 50 से 20 दिन के चेक को 100 से 150 रुपए में बेच रहे हैं। वे प्रति नाटी अंडे की बिक्री 15 रुपए में कर रहे हैं। अब तक इन्होंने 60 से अधिक किसानों को इनक्यूबेटर बेचा है। वन बास ना रेडी मार दे फर्स्ट। वन बास ना वो 50 मट्टे मरी मार सदो 40-50 रुपए आदरिंदा। मैंने 3500 रुपए में एक ब्रीडिंग इनक्यूबेटर मशीन तैयार की है। मैं अपने दोस्तों और अपने इलाके के किसानों को यही सप्लाई कर रहा हूं। इस बॉक्स में तापमान कंट्रोल करने की व्यवस्था है, क्योंकि इसमें थर्मामीटर फिक्स किया गया है। एक बार में जब तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो बल्ब स्वतः ऑन हो जाता है। अब तक ऐसे 50 से 60 बॉक्स किसानों को बेच चुका हूँ। अनिल के पिता स्वामी गौड़ा अपने बेटे के काम को पूरा समर्थन देते हैं। इनके पिता 1 एकड़ 8 घंटा जमीन पर मशरूम की खेती कर रहे हैं। अनिल उसी जमीन में जैविक खेती कर रहे हैं और उपज की अच्छी पैदावार भी कर रहे हैं। एक छोटे से कमरे में अनिल ने मशरूम के 150 से 200 बैग की खेती की है। शुरू में उन्हें बाजार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वे सीधे किसानों को मशरूम बेच रहे हैं और अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। हम 1 किलो बीज से 5 किलो मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। हम 90 रुपए में 1 किलो बीज खरीद रहे हैं। अगर हम खुद किसानों को सीधे बेचते हैं तो 1 किलोग्राम मशरूम के लिए हमें 200 रुपए मिलेंगे। ये हमारे इलाके के सभी किसानों की मदद करेगा। पिता और पुत्र दोनों 1 एकड़ भूमि में एकीकृत खेती कर रहे हैं। वे खेती के साथ ही नारियल, नारंगी, केला, इलायची और अन्य फलों का भी रोपण कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ नारियल के 40 पेड़ लगे हैं। अगर हम यहाँ जाएं तो ये भूमि एक कृषि प्रयोगशाला के रूप में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।